नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आज फिर से बीएसएससी पेपर लीक और पारदर्शिता के मुद्दे पे लाइव आया हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत खराब है और अभी मैं इलाज कराने में व्यस्त हूँ, क्योंकि जितनी जल्द मेरा इलाज हो जाए उतना ही अच्छा होगा। और नवंबर में ही हम एम्स जाने वाले थे, लेकिन बीपीएससी का ये मुद्दा आ गया, सरसठवीं का, उसके चलते हम नहीं जा पाए थे। और उसके बाद आपने देखा बीपीएससी वाले में भी, हमें तो लगा कि एक आंदोलन से सरकार मान जाएगी, बीपीएससी मान जाएगी और सरसठवीं बीपीएससी में छात्रों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन एक बार आंदोलन किए 22 नवंबर को, फिर उस दिन नहीं हुआ, फिर 29 नवंबर को आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद 7 दिसंबर को आंदोलन करना पड़ा। और इस चक्कर में क्या हुआ, क्योंकि आंदोलन जब शुरू होता है तो किसी को पता नहीं होता कि सरकार कब बात मानेगी नहीं मानेगी। एक आंदोलन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा आंदोलन होते रहता है और जब तक सरकार ना माने आंदोलन जारी रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई सीमा नहीं होती कि कब तक आंदोलन चलेगा। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान में जो सरकारें हैं वो कैसी सरकारें हैं, निरंकुश तानाशाही सरकारें हैं। तो इस वजह से बीपीएससी के समय, सरसठवीं के समय भी नवंबर दिसंबर में हम नहीं जा पाए। और उस समय भी बहुत सारे लोग हम पे आरोप लगाने लगे कि दिलीप कुमार डर गया, तो आंदोलन से क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ आंदोलन से, कोर्ट क्यों नहीं गया, कोर्ट जाना चाहिए, तो नेता बनने के लिए आंदोलन करता है दिलीप कुमार। तो बहुत सारे लोग फिर कोर्ट भी गए थे, आप सबको पता होगा बीपीएससी के मुद्दे पे कोर्ट भी गए और कोर्ट से भी हार गए, कुछ नहीं हुआ। 6-7 लाख रुपया भी लगा, जो लोग केस किए थे, क्राउड फंडिंग हुआ था शायद, और 6-7 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ और कोर्ट में केस हार गए। तो अब जो लोग हम पे आरोप लगा रहे थे कि कोर्ट जाना चाहिए था, नेता बनने के लिए आंदोलन करता है, तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट से तो हार गए, लेकिन जब आंदोलन हम लोग किए तो आंदोलन में कितने लोग आते थे, सबसे बड़ा सवाल है। आंदोलन की कोई भी जो रणनीति होती है ना, वो भीड़ देखकर तय होती है। जो लोग कभी आंदोलन नहीं किए वही लोग आरोप लगाते हैं। जो लोग कभी आंदोलन नहीं करते हैं वही लोग ज्यादा आरोप लगाते हैं। आंदोलन की कोई भी रणनीति भीड़ के हिसाब से तय होती है कि आंदोलन में कितना भीड़ है, उसी के अनुसार जो नेतृत्व करता है ना उसको रणनीति तय करनी होती है। हमने तो ये भी कहा है भाई कि जिनको भी आंदोलन करना है कर सकते हैं, हम तो ये नहीं किसी को रोक भी तो नहीं रहे हम आंदोलन करने से ना, हम तो किसी को नहीं रोके हैं कभी आंदोलन करने से। सरसठवीं में भी जब नहीं कोई आगे आए तब हमको आगे आना पड़ा, तो उस समय भी लोग आरोप लगा रहे थे। जब अब कोर्ट गए, कोर्ट से भी हार गया, उसमें भी कहिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि कोर्ट में हार गया दिलीप कुमार की वजह से, कह सकते हैं कुछ लोग, जबकि कोर्ट में तो हम गए भी नहीं थे, कोर्ट में कोई और लोग गए थे, 6-7 लाख रुपया खर्च हुआ उसमें। उसके बाद फिर हम सोचे कि जाते हैं अपना इलाज कराते हैं, तो आजकल करते करते नंबर लगवाते लगवाते फिर देर हो गई। फिर उसके बाद हमें क्या पता था कि बीएसएससी CGL 3 का भी पेपर लीक हो जाएगा, जैसे बीपीएससी का हुआ वैसे इसका भी हो जाएगा, हमें तो ये पता नहीं था। और पेपर लीक हो गया, अचानक से पता चला पेपर लीक हो गया, फिर इधर आंदोलन शुरू हो गया। 26 तारीख को पटना कॉलेज में हम लोग मीटिंग रखे थे, 29 को ट्विटर पे आंदोलन किए, तो हम तो बार बार ये चाह रहे थे कि आंदोलन ना करना पड़े हम लोग को, और इसीलिए हम लोगों ने ट्विटर पे आंदोलन किया। 5,74,000 से ज्यादा ट्वीट हुआ, उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं मानी। और 4 जनवरी को आंदोलन होना था, आपको याद होगा, मैं फिर से याद दिला दूं कि 7 दिसंबर को जब आंदोलन हुआ तो उसमें सचिवालय सहायक BSSC CGL 3 का भी मुद्दा शामिल था। और बड़े जोर शोर से हमने इस मुद्दे को उठाया कि पारदर्शिता सचिवालय सहायक की परीक्षा में लाई जानी चाहिए, और उस समय पीटी परीक्षा नहीं हुई थी, 7 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। और हमने पटना के करीब 70-75 लाइब्रेरी लॉज जा जाकर छात्रों से हाथ जोड़कर विनती किया था कि आप सभी आइए, सचिवालय में पारदर्शिता आनी चाहिए, यानी कि OMR सीट मिलना चाहिए, कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटऑफ सभी का मार्क जारी होना चाहिए। लेकिन 7 तारीख को जब हम लोग आंदोलन किए तो हमें उस दिन बहुत बुरा लगा कि पटना के 75-80 लाइब्रेरी और लॉज जा जाकर हम रात के 11:30 तक जा जाकर सबसे हाथ जोड़कर विनती करते रहे। और जिस दिन आंदोलन था उस दिन भी हम 5-7 लाइब्रेरी गए, लेकिन उस लाइब्रेरी से एक भी स्टूडेंट नहीं आए। सबको कहना था
किसी जीएल थ्री की परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, उस समय भी हमने हाथ जोड़कर कहा था कि आप पढ़िए, लेकिन पता चलेगा कि आपका पेपर ही लीक हो जाए या पारदर्शिता ही न रह जाए या सरसठवीं की तरह जो है कट ऑफ ही ज्यादा चला जाए, धांधली सेटिंग हो जाए, तो पढ़ा हुआ आपका बेकार चला जाता है। तो इसलिए आप एक घंटा आंदोलन में भी समय दीजिए। लेकिन 7 दिसंबर को आप लोग को भी पता है कि मुश्किल से 450 बहुत हुआ उतने स्टूडेंट्स आए, और सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 के कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आए। तो हम जब भी आंदोलन करेंगे ना, हम कभी भी आंदोलन कर दें तो 500-600 स्टूडेंट्स मेरे नाम पे आ जाएंगे। 500-600 चाहे हम किसी भी मुद्दा को लेकर आंदोलन करें पटना में, तो 500-600 स्टूडेंट्स मेरे नाम पे आ ही जाएंगे। लेकिन वो सब उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। 7 तारीख को भी यही हुआ था कि स्टूडेंट्स नहीं आए, हमें बहुत तकलीफ हुआ उस दिन कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही घर बैठा हुआ है, वही लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उसी में से बहुत सारा लोग पार्क में घूम रहा है, और हम लड़ रहे हैं सरकार से अकेला। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, आप लोगों की तरह एक साधारण छात्र हैं और सिस्टम से लड़ रहे हैं अकेला। और आज तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे ऊपर लगी हुई है, हमको टारगेट की हुई है, सभी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग हमको टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि हम किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं बोलते हैं या विपक्ष में, हम सभी पार्टियों को गलत बताते हैं, क्योंकि सभी पार्टियां गलत हैं, सभी पार्टी के नेता गलत हैं। तो हम बोलते हैं, हम सच को सच गलत को गलत बोलते हैं, और यही वजह है कि आज हम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी नेताओं के टारगेट पे, सभी पार्टियों के टारगेट पे आ गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि 4 जनवरी को जब आंदोलन हुआ तो हमें टारगेट किया गया, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, पटना यूनिवर्सिटी के सामने गुंडे बुलाकर हमारे ऊपर हमला किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नीच हरकत पे जा रहे हैं ये लोग। उसके बाद भी हमने किसी को ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ उस दिन, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आंदोलन में भगदड़ मचे या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम अपने ऊपर हमला हुआ हम शांत रह गए, हम झेल लिए। लेकिन आप सोचिए कि जिस आदमी को नवंबर में एम्स में भर्ती होना था, इलाज कराना था, ट्यूमर का इलाज कराना है, आप लोग को बता देना ट्यूमर, जिसका नाम सुन के लोग अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाएगा, और दूसरों के लिए लड़ना तो छोड़ दीजिए, अपने लिए नहीं लड़ पाएगा, एग्जाम तक कोई वैकेंसी निकलेगा तो फॉर्म नहीं भरेगा, एग्जाम देने नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो फिर भी आप लोगों के लिए लड़ रहा था, बीपीएससी में भी लड़ा, आप लोगों के लिए लड़ा अपना इलाज छोड़कर। और ये बात ये नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा और आप लोग मान लीजिए, ये झूठ बोलने वाली बात ही नहीं, ये तो सबको पता चल जाएगा ना। और पहले भी हम शेयर कर चुके हैं फेसबुक ट्विटर सब जगह कि मेरा इलाज एम्स में होना है, और सबको पता चल जाएगा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा और आप लोग को पता नहीं चलेगा। आजकल तो सब चीज सार्वजनिक होता है, आप एम्स का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसी से पता कर लीजिएगा कि दिलीप कुमार का इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाता है, तुरंत पता कर लीजिएगा आप लोग, ऑनलाइन सब कुछ होता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा। और इसके बावजूद भी 4 जनवरी को हम आंदोलन किए, हमें उम्मीद थी, सच्चाई के साथ मैं आज ये बात बता रहा हूं, हमें उम्मीद थी कि 9 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, हजारों लड़कियां भी इसमें शामिल है, 35% आरक्षण का लाभ भी उनको मिलता है, और इस बहाली में भी मिलेगा, पिछले सचिवालय सहायक में तो नहीं मिला होगा क्योंकि उस समय तो लागू नहीं थी, लेकिन इसमें तो 35% आरक्षण का लाभ भी लड़कियों को छात्राओं को मिलना है। तो हरेक जिले से हजारों लड़कियां शामिल थी इस परीक्षा में, हमें उम्मीद थी कि कम से कम 400 तो लड़कियां जरूर आएगी, 500 हमें ये ऐसा लगा कि 400-500 कम से कम लड़कियां गर्ल्स आएंगी आंदोलन में। हमें लगा था कि 400-500 लड़कियां जरूर आएगी, कम से कम 50-60 हजार स्टूडेंट्स लड़के आएंगे, बॉयज आएंगे, 50-60 हजार लड़के आएंगे, बॉयज आएंगे, और कम से कम 400-500 लड़कियां जरूर आएगी, क्योंकि 9 लाख स्टूडेंट्स है। और जिस तरह से सोशल साइट्स पे आप लोग पोस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लेकिन 4 जनवरी को जब आंदोलन हुआ तो मुश्किल से 7-8 हजार स्टूडेंट्स आए थे। हम ये नहीं कह देंगे कि 50,000 स्टूडेंट्स आए थे, हम झूठ नहीं बोल सकते, 6-7 हजार, 8 हजार बहुत हुआ। आप सोचिए कि 9 लाख स्टूडेंट्स का 1% भी आंदोलन में नहीं आए, 9 लाख स्टूडेंट्स का 1% भी आंदोलन में नहीं आए, आप सोच सकते हैं हम किससे लड़ने जा रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं आपको पता है ना, हम सरकार से लड़ रहे हैं, तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं, तानाशाही आयोग से लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कम संख्या में हम जंग जीत जाएंगे,
7 दिसंबर को भी हमने आंदोलन किया, उसके बाद हमने बीपीएससी वाला आंदोलन स्थगित कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि हम देख ले कि स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर बेवजह आंदोलन करने से क्या फायदा, सरकार नहीं मानेगी ऐसी बात, हम जानते हैं सरकार नहीं मानेगी। जब तक 50,000 एक लाख स्टूडेंट सड़क पे नहीं उतरेंगे, चाहे आप धरना दीजिए, कहीं अनशन पे बैठिए, या फिर सड़क मार्च निकालिए, पैदल मार्च निकालिए, लेकिन 50,000 से 1 लाख कम से कम संख्या होनी चाहिए, तभी सरकार मानेगी। हमें क्या है, हम तो आंदोलन करेंगे तो 400-500 कम से कम। कम से कम हम जब भी आंदोलन करेंगे ना, कम से कम 500-600 स्टूडेंट्स आ ही जाएंगे, और उससे फायदा हमको होगा। हमको क्या फायदा होगा, सभी मीडिया में मेरा नाम चलेगा, चर्चा होगा, डिबेट होगा, अखबारों में मेरा नाम छपेगा, फोटो छपेगा, सब मीडिया में चलेगा, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, सब जगह चलेगा, दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा, दिलीप कुमार चलेगा, हमें तो फायदा होगा इसका, लेकिन आप लोगों को कोई फायदा इसका नहीं होगा। सच्चाई बता रहा हूं, आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो मांग है तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो और पारदर्शिता लाई जाए, तो ये मांग सरकार नहीं पूरा करेगी। कम संख्या में सरकार नहीं पूरा करेगी, कम संख्या अगर रहती है 500-600, 1,000, 2,000, 5,000 संख्या रहती है तो नहीं पूरा करेगी सरकार इस चीज को, क्योंकि सरकार निरंकुश है, सरकार निरंकुश है, तानाशाही है, सरकार की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी सरकार चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि सरकार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब तक 50,000 से 1 लाख की संख्या में छात्र या तो अनशन पे बैठे या सड़क पे पैदल मार्च निकाले, तभी सरकार सुनेगी, कम संख्या में सरकार नहीं सुनेगी। हम पहले भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि आप लोग को इस ठंड में बेवजह परेशान करें, हम नहीं चाहते कि आप लोग को परेशान करें। उस दिन कितने छात्रों को चोटें लगी, हमको उनका दर्द हमको पता है ना, हम देखे उनका दर्द, अपना दर्द तो चलिए हम भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों में से जो किन्हीं को चोट लगती है ना, तो वो दर्द हमें दिखता है, महसूस होता है, उस दर्द को हम नहीं भूल पाते हैं, उस दर्द को हम, आप लोग को जो चोट लगती है, पुलिस की लाठी लगती है, तो वो मुझे बहुत पीड़ा देती है, उस पीड़ा को मैं नहीं सहन कर पाता हूं, और अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं इलाज कराने निकल रहा हूं, अभी हम रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है दिल्ली का, मैं बहुत जल्द दो तीन दिन के अंदर में ही मैं दिल्ली निकल रहा हूं, एम्स में मुझे भर्ती होना है, और आप भी जानते हैं जैसे ही मैं तबीयत ठीक हो जाती है, इलाज करा के मैं आता हूं, दिल्ली से वापस आता हूं, तो आप लोग जैसा आंदोलन कहेंगे मैं करूंगा, अहिंसक, शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक ढंग से जैसा भी आंदोलन आप लोग कहेंगे मैं तैयार हूं। मैं आंदोलन से कभी पीछे कहां हटा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के, आपको याद होगा दरोगा बहाली में जब आंदोलन कर रहे थे उसी समय मेरी शादी भी थी, और हमने शादी के कार्ड पर भी लिखवा दिया, और अपनी शादी के बीच में हम आंदोलन कर रहे थे, आप सोचिए। तो फिर हम आप लोगों के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, आप लोग को हम, कभी ऐसा हुआ कि आप लोग को हम छोड़ दिए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना आगे होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारी मजबूरी है कि अभी हमें अर्जेंट है, बहुत अति आवश्यक है इलाज कराना, जिसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, इतना दिन से हम, इतना महीना से इग्नोर कर चुके हैं, तो अब नहीं कर सकते हैं, अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये इस बात को आप लोग भी थोड़ा समझिए, क्योंकि इलाज वाली बात है, ट्यूमर जैसी समस्या है, तो उसका जितना जल्द इलाज हो जाए उतना अच्छा होता है। और आप लोग से फिर मैं कह रहा हूं, 4 जनवरी के बाद भी बहुत सारे लोग कह रहे थे आंदोलन कीजिए, मैं तैयार हो जाता, मैं अभी भी तैयार हो जाऊंगा, अपना इलाज छोड़ देता हूं, मान लेते चले ठीक है हम अपना इलाज छोड़ देते हैं, हम आप लोग के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते, कोई डेट दे देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं डेट दीजिए आंदोलन का, तो आंदोलन का डेट देना समस्या का समाधान नहीं है ना। फिर जैसे बीपीएससी में हुआ, आप लोगों ने देखा ना, 22 को किए, फिर 29 को किए, फिर लोगों ने कहा, तो फिर हम 7 दिसंबर को आंदोलन कर दिए। लेकिन जब तक भीड़ नहीं होगी, आप इस बात को समझिए कि 4 जनवरी को कितने लोग आए, हजारों लड़कियों ने फॉर्म भरा, 35% आरक्षण का लाभ भी लेना है उनको, लेकिन सिर्फ 3 लड़कियां आई आंदोलन में, सिर्फ तीन लड़कियां आई, आप सोचिए आंदोलन में, और 9 लाख स्टूडेंट्स में सिर्फ 7-8 हजार स्टूडेंट्स आए, 9 लाख में से सिर्फ 8 हजार स्टूडेंट्स आते हैं, जबकि हमें उम्मीद थी कम से कम 50-60 हजार तो जरूर आएंगे। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर छोटा छोटा आंदोलन हम लोग करेंगे ना, जिसमें 5 हजार, 7 हजार, 8 हजार
स्टूडेंट 10,000 हो तो उसका असर नहीं पड़ेगा, आप इस बात को समझिए। सीटेट बीटेट वाले देखिए कितना बार आंदोलन करते हैं, महीना में हर महीना 2 बार आंदोलन करते हैं वो लोग, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। डाक मल्ला चौराहे पे 13 दिसंबर को उन लोगों को मार के भगा दिया गया, इससे पहले 22 अगस्त को मार के भगा दिया गया। तो जब तक भीड़ नहीं होगी ना, सरकार नहीं सुनेगी। तो आप लोग खुद सोचिए ना कि क्या बेवजह परेशान करना उचित है, और उसमें भी मुझे इलाज कराना जरूरी है, हमें इलाज कराना जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं नहीं छोड़ के जाता आप लोग को। अब बीपीएससी का देखिए ना, 67वीं का क्या, हम उस समय अपना इलाज छोड़ के हम आंदोलन कर रहे थे, अभी भी हम अपना इलाज छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। मुझे पता है कि 1 लाख स्टूडेंट्स नहीं आएंगे सड़क पे, तो फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5,000, 7,000, 10,000 स्टूडेंट्स आएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार नहीं मानेगी बात। तो इसलिए हमें ऐसा आंदोलन करना होगा जिसमें 1 लाख स्टूडेंट्स एक साथ उतर जाए, चाहे तो गांधी मैदान में जमा हो जाए, गांधी मैदान में बैठ जाए, या सड़क पैदल मार्च करे, तब सरकार सुनेगी, सरकार मानेगी बात, ऐसे नहीं मानेगी बात। तो बेवजह मान लीजिए हम फिर कोई डेट दे दे, आप लोग आइएगा, फिर पुलिस मारेगी, पिटा जाइएगा, फिर आप ही में से कुछ लोग कहेंगे कि दिलीप कुमार पिटवा देता है हर बार बुला के। इससे पहले सीएम हाउस के बाहर हम लोग धरना दिए थे, तो उस समय कुछ लोग आरोप लगाए कि दिलीप कुमार वार्ता कर लिया, क्यों वार्ता किया, नहीं हटना चाहिए। अरे तो वार्ता नहीं करते तो क्या करते, मुख्य सचिव से जब वार्ता कराई जा रही थी तो बात करना हमारा फर्ज बनता है, और वार्ता नहीं करते तो क्या होता, वही होता, लाठीचार्ज करके हमें हटा दिया जाता, मारपीट के स्टूडेंट्स को मारा पीटा जाता, हटा दिया जाता, अंत में तो यही किया जाता ना। हाँ, अगर 50,000, 1 लाख होते हम लोग स्टूडेंट्स तो फिर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर पाती। 50,000, 1 लाख अगर स्टूडेंट्स रहेंगे तो लाठीचार्ज कोई भी जगह पे कोई भी पुलिस नहीं कर पाएगी, लेकिन 5,000, 7,000 रहिएगा तो लाठीचार्ज करना आसान हो जाता है। तो आप लोग समझिए, किसी के बहकावे में मत जाइए। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमें फायदा है, 500, 700 भी स्टूडेंट्स आइएगा ना तो हमें फायदा होगा, लेकिन आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। हम आपके फायदे के लिए आंदोलन करते हैं, हम अपने फायदे के लिए नहीं आंदोलन करते हैं, इस बात को समझिए आप लोग। आपके प्रति हमारा अलग तरह का लगाव है, स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, जो विश्वास आप लोग हम पे करते हैं ना, उसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। आप लोग का जो भरोसा हम पर है, जो विश्वास है, उसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते, हम धोखा नहीं दे सकते आपको। हम बेवजह आपको बुला लें, कम भीड़ रहेगी, फिर लाठी मार के भगा दिया जाएगा और समस्या का समाधान नहीं होगा। मुझे पता है, मैंने बहुत आंदोलन किया है आपके लिए, पिछले 4-5 साल से हम कई आंदोलन कर चुके हैं, आप लोग भी देख रहे हैं ना, तो हमें पता है कि सरकार कब मानेगी नहीं मानेगी। तो मैं कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ना, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं था ना। हम आज भी आंदोलन कर लेते या 4 के बाद 6-7 को भी आंदोलन कर लेते, लेकिन हम जानते हैं कि 50,000, 1 लाख स्टूडेंट्स अभी नहीं आएंगे, नहीं आ रहे हैं, सब घर बैठे ही चाहते हैं, यही दिक्कत है। जो लोग आंदोलन में आए उनको दिल से धन्यवाद, जो लोग भी आंदोलन में आए आवाज उठा रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप खुद सोचिए कि जहां 9 लाख हमारी संख्या है तो कम से कम 50,000, 60,000 तो आना चाहिए ना, जब एग्जाम देने 300, 400 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, ठंड में रात में सड़क पे सो सकते हैं, तो राजधानी पटना में 1 दिन 2 घंटा के लिए आने में क्या दिक्कत था, आना चाहिए। 7 दिसंबर को भी बहुत कम लोग आए, 300, 400, 500 बहुत होगा, उसमें भी CGL3 का मुद्दा था, लेकिन कोई नहीं आया उसमें CGL3 वाले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाए हुए हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है, इस बात को समझिए। हमारे ऊपर किसी नेता का भी हाथ नहीं है, हम अकेला हैं और अकेला आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल पार्टी के नेता से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो सभी पार्टी वाले हमें टारगेट किए हुए हैं, तो आप लोग इस बात को समझिए। मैं कैसे कोई डेट दे दूं जब मैं रहूंगा ही नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आंदोलन का डेट दे दीजिए, अरे भाई हम कैसे डेट दे दें, हम नहीं रहेंगे ना, हम इलाज कराने निकल रहे हैं दिल्ली, तो हम नहीं रहेंगे। मान लीजिए आप लोग आ जाइएगा, फिर आप ही लोगों में से कुछ लोग कहिएगा कि दिलीप कुमार बुला लिया, आपने भाग गया, कुछ लोग उसमें पॉलिटिकल पार्टी वाले आ जाएंगे और माहौल खराब कर देंगे, हिंसा करवा देंगे, या खुद हिंसा करके वो भाग जाएंगे, आप लोग फंस जाइएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो। तो ऐसा आंदोलन चाहिए जिसमें 1 लाख स्टूडेंट्स हो, तभी सरकार सुनेगी। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि किस तरह से आंदोलन हो कि 1 लाख स्टूडेंट्स जुट जाए।
छोटा मोटा आंदोलन करने से सरकार नहीं मानेगी, छोटा मोटा आंदोलन करने से सरकार नहीं मानेगी। जिस तरह से जदयू के नेताओं का और मुख्यमंत्री जी का बयान आया, आप लोग सुने होंगे, तो इससे तो साफ जाहिर है ना कि ये लोग को सब कुछ पता है, लेकिन ये लोग युवाओं के साथ अनदेखी कर रहे हैं, युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस तरह से आरजेडी के कुछ प्रवक्ताओं का कमेंट आया, बयान आया, तो इसे तो साफ जाहिर है कि सरकार में जाने के बाद इन लोगों का रुतबा बदल जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज जो विपक्ष में है, वो जब सत्ता पक्ष में थे तो कहां थे? सत्ता पक्ष में थे तभी पेपर लीक हुआ था, दरोगा बहाली का, बीपीएससी का, सिपाही बहाली का, तो उस समय कहां थे वो लोग? तो आप लोग सोच समझिए इस बात को, किसी के बहकावे में ये नहीं करना है हम लोग को। अभी मैं दिल्ली निकल रहा हूं, एम्स में मुझे भर्ती होना है, वहां इलाज कराना है। अगर मुझे नहीं रहता इलाज कराना, तो फिर मैं आप लोगों को इस बीच में छोड़ के नहीं जाता। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग हम पे इतना उम्मीद किए हुए हैं, लेकिन मैं अभी कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, दो वजह है। एक वजह तो ये है, जो कि सबसे बड़ा वजह है, कि जब हम आंदोलन करते हैं तो लोग बहुत कम आते हैं, जितना आना चाहिए नहीं आते हैं। जैसे 4 जनवरी को भी देखिए, 9 लाख का स्टूडेंट्स में से 9,000 भी नहीं आए, 7 से 8 हजार मुश्किल से आए थे। अगर उस दिन 50,000 आ जाते तो सरकार बात मान लेती। तो एक वजह यह है कि घर से निकलना नहीं चाहते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स, बहुत कम लोग आते हैं, जिसका नाजायज फायदा सरकार और भर्ती आयोग उठा रही है। दूसरा कारण यह है कि मुझे इलाज कराना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि बहुत देरी हम कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ट्यूमर जैसी बात है, तो इसका जितना जल्द इलाज हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। आप लोगों को भी पता है ना कि ट्यूमर का इलाज जितना जल्दी हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो हम दिल्ली निकल रहे हैं, और जैसे ही हम वहां से इलाज करा के लौटेंगे, आप लोग के बीच फिर से हम खड़े होंगे, लड़ेंगे। बस आप लोग दुआ कीजिए, जो हमसे बड़े हैं आशीर्वाद दीजिए कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मेरी जो बीमारी है वो जल्द ठीक हो जाए, मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर आप लोग के बीच जल्द आ जाऊं। इसके लिए आप लोग दुआ कीजिए, जो बड़े हैं हमसे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात का है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं बीमारी से लड़कर फिर से स्वस्थ हो जाऊं। मेरे लिए यही सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा तो फिर आप लोग के लिए लड़ भी नहीं पाऊंगा। आप लोग भी देखते हैं, जब हम आंदोलन में जाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि हमें रेस्ट में रहना रहता है, लेकिन फिर भी हम उतना दूर पैदल चलते हैं। जब आंदोलन होता है तो उससे 4-5 दिन पहले लॉज लाइब्रेरी जाते हैं, तो बहुत ये हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, बोलने में तकलीफ होती है, बोल नहीं पाते हैं ठीक से, चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगती है। तो ये चीज प्रॉब्लम है, आप समझिए इस बात को, नहीं तो फिर हम आप लोग को बीच में छोड़ के कभी नहीं जाते। क्या आज तक ऐसा हुआ है क्या, पिछले 4-5 साल से आप देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुद्दा हो और हम आपको छोड़ के कहीं चले गए हों? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली एम्स में जब नंबर लगना ही मुश्किल है, तो वहां जब नंबर लग गया है दिल्ली एम्स में जब नंबर लग गया है, तो फिर अगर उस डेट पे हम नहीं वहां पहुंचते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो फिर मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, फिर नंबर लगाना पड़ेगा, फिर बहुत सारा लफड़ा हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसलिए हमें जाना बहुत जरूरी है, अगर मेरा इलाज नहीं रहता तो हम नहीं जाते। और नवंबर दिसंबर हम छोड़ चुके हैं, लेट कर चुके हैं, हमको छठ के समय ही, छठ से पहले ही हम गए थे नहीं, हम उसी समय भर्ती होना था, लेकिन हम सोचते छठ के बाद चले जाएंगे, भर्ती होंगे, उसके बाद नंबर लगने में थोड़ी देरी हो गई, फिर बीपीएससी का 67वीं का मुद्दा चला आया। तो अभी देखिए, अभी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी आंदोलन हो प्लीज आप लोग आइए, क्योंकि ये किसी एक, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कितना चैनल पे, यूट्यूब सब जगह, लेकिन आप लोग घर बैठे रहते हैं, जो आते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, जो भी आंदोलन में आए थे, कि क्या ये उचित है कि 9 लाख स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं, जब आंदोलन हो तो सिर्फ 7,000-6,000 आवे, तो क्या ये उचित है? सरकार पे इसका प्रेशर बनेगा। तो अगली बार जब भी हम स्वस्थ होके, आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द हम स्वस्थ होके वापस बिहार आ सके। आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द हम स्वस्थ होकर, अपना इलाज कराकर स्वस्थ होकर बिहार आ सके, और फिर से अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जो बिगुल हम पिछले 5 साल से फूके हुए हैं और लड़ रहे हैं धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, फिर से उस अभियान को हम जारी कर सके
और आप लोग भरपूर साथ दीजिए, क्योंकि देखिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपको भी पता है जो कुछ होता है हमको अकेले झेलना पड़ता है सारा चीज, फिर भी आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप हमारी हिम्मत है, आप लोग हमारी हिम्मत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। तो जब तक आप लोग हमारा साथ दीजिएगा हम मजबूती से लड़ेंगे। अब किसी से डरते नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत करते ही नहीं है, गलत करेंगे तब डर होगा। गलत करने वाले को डर होता है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसको डर नहीं होता है। सत्य के मार्ग पे चलने वाले को क्या डर है? अरे हम आंदोलन ही करते हैं ना, क्या करते हैं? सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ना, अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा होगा पुलिस हमें पकड़ के जेल भेजेगी, जैसे कि 15 दिन के लिए हमें भेज भी चुकी है 2021 में, फरवरी 2021 में। क्या होगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? जब हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं तो कितना दिन जेल में रख पाएगी पुलिस? नहीं रख पाएगी। तो इसलिए हमें डर नहीं है, और हम कुछ भी गलत नहीं करने हैं, ना ही आगे करेंगे। अगर हमको रहता किसी पद और पैसा का लालच होता तो हम क्यों ये सब करते? कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते ना। अगर हमको पद और पैसा का लालच होता तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते, आराम से हमको गाड़ी मिलता, ड्राइवर मिलता, पैसा मिलता, फ्लैट मिलता रहने के लिए, कोई इतना हमको संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? टिकट नहीं मिलता है क्या? विधायक का टिकट देखिए कैसे कैसे लोगों को मिल जाता है, मुझे नहीं मिलेगा क्या? मुझे तो 2020 में ही टिकट मिल रहा था, बहुत सारे पार्टी दे रहे थे, हम नहीं लिए। अभी भी हम चाहेंगे कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते, हमें तो सब पार्टी से ऑफर आते रहता है। तो बस यही है कि हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा साथ देते रहिए। और अभी दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हम इलाज कराकर स्वस्थ होकर, पूरी तरह स्वस्थ होकर जल्द बिहार आ जाएं और फिर से आप लोग के साथ लड़ाई लड़े अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। और अभी जो भी आप लोग बीएसएससी पेपर लीक, तो हम आप लोग के साथ खड़े हैं। जब मोबाइल ले जाना नहीं था तो कैसे कोई फोटो खींच लेता है? और ये तो एक आदमी पकड़ाया, हो सकता है ऐसे ऐसे कई लोग होंगे। जब मोबाइल लेके जाना नहीं, आप जूता खुलवा दे रहे हैं इस ठंड में, मोबाइल लेके नहीं जाना है तो कैसे फोटो खींच लिया? ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपका जो परीक्षा हुआ वो पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ, निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ, संदेहास्पद रहा। तो इसलिए 9 लाख का स्टूडेंट्स की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था बीएसएससी को और सरकार को, और पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। तो बार बार पारदर्शिता की मांग करें, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, सचिवालय सहायक हो, कुछ भी हो, हम तो हर बहाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। तो उसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। आप लोग शेयर भी करते रहिए, चूंकि देखिए अब दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा, आप खुद सोचिए 9 लाख का स्टूडेंट्स है, मेरे ही वीडियो को कितने लोग शेयर करते हैं? 200-300 बहुत हुआ, उससे ज्यादा लोग शेयर नहीं करते हैं। तो कैसे हम इस लड़ाई को जीतेंगे? आप खुद सोचिए 9 लाख का स्टूडेंट्स में कितने लोग हैं जो हमारे यही वीडियो को शेयर करते हैं, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो? बहुत कम, 100-200-300 बहुत हुआ, इससे ज्यादा लोग शेयर भी नहीं करते हैं। और वही फालतू का वीडियो चले आए जो आपको कभी आंदोलन में आया नहीं, वैसे वैसे यूट्यूबर का आप लोग वीडियो खूब शेयर करते हैं, फेसबुक पे खूब उसको शेयर करते हैं, यूट्यूब पे शेयर करते हैं। तो आप लोग कम से कम शेयर भी कीजिए ना, तबकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमारी बात पहुंच सके। तो आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। क्योंकि अभी भी देखिए कहने के लिए 9 लाख अभ्यर्थी हैं, लेकिन कहां एकजुट है हम लोग? सभी लोग एक मंच पे तो आइए पहले, 9 लाख, ऐसे थोड़े हम लोग जंग जीत जाएंगे। तो आप लोग देखिए फेसबुक पे दिलीप कुमार नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, DILEEPKUMAR, दिलीप कुमार नाम से है। और यूट्यूब पे भी है DILEEPKUMAR, स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार, स्टूडेंट लीडर। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब जगह इसी नाम से मैंने इसलिए बना दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आप लोग सब हर जगह सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे सर्च करके फॉलो कीजिए, फेसबुक पे सर्च करके फॉलो कीजिए, तभी तो हमारी ताकत बढ़ेगी। कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो आइए, आज हम बोल रहे हैं तो 9 लाख स्टूडेंट्स के बीच हमारी बात भी तो जानी चाहिए, जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं उनके बीच हमारी बात जानी भी तो चाहिए। तो इसके लिए जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए।
9 लाख जो अभ्यर्थी हैं तो उनके बीच हमारी बात भी तो पहुंचने चाहिए। तो ये तो आप लोग को करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए, यूट्यूब के लिंक को शेयर कीजिए। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कब तक इलाज आपका हो जाएगा, तो देखिए अभी तो हम 2 दिन में निकलेंगे, 1 से 2 दिन में निकल रहे हैं एम्स, और वहां जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि कब तक इलाज हो पाएगा मेरा, कब तक पूरा इलाज हो पाएगा, कब तक हम ठीक हो पाएंगे। वो तो एम्स जाने के बाद डॉक्टर से मिलेंगे फेस टू फेस, उसके बाद ही पता चल पाएगा। पटना में भी इसका इलाज हो सकता था, बहुत लोग कमेंट कर पटना में, लेकिन पटना में पैसा लगता, पटना में 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक लगता, तो इसलिए हम दिल्ली एम्स चले गए कि वहां कम से कम इससे तो मुक्ति मिलेगा। पटना में जहां भी हम कराते प्राइवेट में कराना पड़ता, और वहां 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक का बजट चल जाता, 4 लाख मान के चलिए। तो इसलिए हम दिल्ली एम्स और डॉक्टर जिनसे हम दिखा रहे थे पहले, और जिनसे हम डॉक्टर से दिखा रहे थे कान का हमको तो लगा शुरू में कान की समस्या, कान वाले डॉक्टर से दिखा रहे थे, उन्होंने भी ये रेफर किया था एम्स ही, दिल्ली एम्स ही, इसलिए हम एम्स ही जा रहे हैं। और एक बार दिखा चुके हैं डॉक्टर से, तो फिर अब जाना है, तब जो भी हो ट्रीटमेंट वहां होगा। अब कितना समय लगेगा ये तो जब मैं एक दो मतलब फेस टू फेस फिर से मिल लूं डॉक्टर साहब से, और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना दिन में हो पाएगा इलाज। तो मैं अपडेट कर दूंगा, जैसे ही जो भी होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। लेकिन हम फिर एक बार पुनः आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि देखिए पहले भी हुआ CGL-2 में गड़बड़ी, CGL-1 में गड़बड़ी, दरोगा बहाली 1717, 2446, 2213, सिपाही बहाली में भी, BPSC में भी गड़बड़ी हुई, और इस CGL-3 में भी गड़बड़ी हो रही है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक परीक्षा की बात है, बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात है। आज शिक्षक अभ्यर्थी भी देखिए मार खा रहे हैं, उनको मार के भगा दिया जा रहा है, मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, वो भी अभ्यर्थी बार बार आंदोलन कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, उनको मार के भगा दिया जा रहा है। तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, और 9 लाख कम संख्या नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर 4 तारीख को आप लोग आ जाते 50,000 से 1 लाख की संख्या में, तो सरकार को उसी दिन बात माननी पड़ती, लेकिन चूंकि आप लोग ही नहीं आए, और फिर मान लीजिए हम कोई डेट रखें, फिर उस दिन वही होगा 6,000 7,000 9,000 आइएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप ही लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि मार खिला दिया दिलीप कुमार, ये कर दिया वो कर दिया। तो इसीलिए समय भले लगे, लेकिन एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, भले समय 1 महीना लगे 1.5 महीना लगे, लेकिन एक ऐसा आंदोलन अब हो जो कि गांधी मैदान भर जाए। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? नेताओं की रैली में हम लोग जाते हैं, क्या स्टूडेंट्स अपना रैली खुद नहीं निकाल सकते? गांधी मैदान को पूरा स्टूडेंट्स मिलकर नहीं भर सकते? क्यों नहीं भर सकते? हम जाएंगे, हर जिला जाएंगे, हर ब्लॉक जाएंगे, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम इलाज करा के जैसे ही आते हैं, हम हर जिला जाएंगे, छात्रों से मिलेंगे, हर जिला में छात्रों को हम यूनाइट करेंगे, और फिर पटना में हमारा बड़ा आंदोलन करेंगे। गांधी मैदान भर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग चाहिएगा तो, लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। दिलीप कुमार अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, हर जिला में 100 दिलीप कुमार चाहिए, एक अकेला दिलीप कुमार कब तक लड़ेगा, क्या करेगा? हर जिला से कम 100 दिलीप कुमार जो अपने अपने जिला का नेतृत्व करे, और जब कभी स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो अपने जिला में उतर जाए। अगर सोचिए ना कि अगर हर एक जिला से 100-100 दिलीप कुमार खड़ा हो जाए, तो कोई भी सरकार हो गलत नहीं हो पाएगा, छात्रों के साथ नहीं कर पाएगी कोई भी भर्ती आयोग। तो आप लोग को साथ देना होगा, हम तो लड़ ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन हर जिला से कम 100 दिलीप कुमार को खड़ा होना पड़ेगा। हर जिला से 100 दिलीप कुमार खड़ा होइए, अपने अंतरात्मा से पूछिए कि अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए कि नहीं, गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि नहीं। और हम लोग तो हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, कभी हिंसा की बात भी नहीं करते हैं, और अहिंसक आंदोलन में वो ताकत है जो किसी भी तानाशाही सरकार को झुका देती है। आप याद कीजिए ना, हिंसक आंदोलन 1-2 दिन हो जाएगा अच्छा लगेगा देखने में, जैसे अग्निवीर योजना के खिलाफ में हुआ हिंसक आंदोलन, क्या हुआ? सरकार ने उस आंदोलन को तुरंत दबा दिया, क्योंकि जनता का भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकार को मौका मिल जाएगा कि ये तो हिंसा कर रहा, आंदोलन नहीं कर रहा, हिंसा कर रहा। तो इसीलिए अहिंसक
शांति पूर्वक आंदोलन होगा लोकतांत्रिक ढंग से, तो उस आंदोलन को सरकार नहीं दबा पाएगी, क्योंकि आम जनता हमारा साथ देगी, मीडिया हमारा साथ देगी, सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, चाहे कोई भी सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, तेजस्वी जी की सरकार हो, नीतीश कुमार जी की सरकार हो, या किन्हीं की सरकार हो। अगर हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन को दबा पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, और नहीं दबा पाती है सरकार, इस चीज को समझिए। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि सभी चीज को मिलाकर, चाहे मगध यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, अदर यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, शिक्षक बहाली का मुद्दा हो, बीएसएससी हो, सचिवालय सहायक का मुद्दा हो, दरोगा बहाली का मुद्दा हो, सिपाही बहाली का हो, लाइब्रेरियन, कृषि, जो भी हो, दरोगा बहाली हो या सचिवालय सहायक हो, हर मुद्दे को जोड़कर एक बड़ा आंदोलन किया जाए और मिलकर लड़ा जाए, जिसमें इतना भीड़ इकट्ठा हो जाए कि पूरा गांधी मैदान भर जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, कोई भी सरकार हो, छात्रों के प्रति गलत करने से पहले हजार बार सोचेगी, उनको लगेगा कि अगर हम छात्रों के साथ गलत करेंगे तो एक ग्रुप खड़ा है जो कि हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा, तो उस समय कोई भी भर्ती आयोग आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा, सरकार अन्याय नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आप लोग को सोचना है, हम तो तैयार है आपके लिए लड़ने के लिए, लेकिन छोटा मोटा आंदोलन से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, यहां भी कमेंट में देख रहे हैं, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि छोटा मोटा आंदोलन कर दे, 4,000, 5,000, 10,000 आ जाए, लाठी मार के भगा दे, फिर क्या होगा, दिलीप कुमार का हर जगह चर्चा होगा, दिलीप कुमार नेतृत्व कर रहा है, दिलीप कुमार नेतृत्व कर रहा है, हमको तो फायदा हो जाएगा उससे, हमको व्यक्तिगत रूप से उससे फायदा होगा, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा, छात्रों को फायदा नहीं होगा, बिहार के युवाओं को फायदा नहीं होगा, और इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जिसमें आपका फायदा होगा, युवाओं का फायदा होगा, हम वही काम करेंगे। आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हो या व्यक्तिगत लाभ हो। आप कैसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, आगे भी नहीं करूंगा। आप लोग इतना विश्वास करते हैं हम पे, भरोसा करते हैं, जितना आज हमें भी पता है कि आज आप लोग हम पे इतना विश्वास करते हैं जितना आप किसी नेता पे नहीं करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पे नहीं करते हैं उतना भरोसा, तो हम आपके भरोसे को कैसे गलत दिशा में ले जाए, नहीं ले जा सकते हैं। आप लोग जो भरोसा कर रहे हैं, भले कुछ लोगों को हमारी बातों का बुरा लगेगा, हम जानते हैं कि आपको बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम सच्चाई बोलते हैं, हम गलत नहीं कर सकते हैं, आपके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं, आपके साथ हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, आपको कैसे गलत रास्ते पे ले जाए, आप हम पे भरोसा करते हैं और आपको हम गलत रास्ते पे क्यों ले जाए। शिक्षक का और नेता का काम होता है सही रास्ता दिखाना, नेतृत्व, सही नेतृत्वकर्ता वो होता है जो भीड़ को सही रास्ता दिखाता है। आप लोग हम पे आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को मैं ये कर दूं कि आपको गलत रास्ते पे ले जाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। जो सही होगा वही मैं करूंगा, चाहे कितना भी मुझे कोई दबाव क्यों ना दे, मैं गलत नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं अगर आप लोग अभी भी आंदोलन करना चाहते हैं तो मेरी मजबूरी है कि मैं आंदोलन में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे निकलना है दिल्ली, टिकट करवाने में लगा हुआ, जैसे ही टिकट हो जाता है मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, क्योंकि जितना जल्द मुझे पहुंचना हो उतना जल्द पहुंच जाए तो बेहतर होगा। तो आप लोग अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि आप आंदोलन करिएगा, कुछ लोग आइएगा, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस भीड़ में होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले आ जाएंगे, बयानबाजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, नीतीश कुमार को गाली देंगे तो तेजस्वी को गाली देंगे, चूंकि वो सरकार में है, ऐसे आपका इमेज खराब होगा, छात्र आंदोलन का इमेज खराब होगा। जैसे उसी दिन कुछ लोग आके राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, तो इस तरह से अगर होगा तो छात्र आंदोलन की छवि खराब होगी, छात्र आंदोलन ही कमजोर होगा, और कम भीड़ में सरकार बात नहीं मानेगी। तो इसलिए आप लोग सोच लीजिए कि क्या करना है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आंदोलन हो तो एक ऐसा आंदोलन हो जिसमें 1,00,000 स्टूडेंट उतर जाए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, हर एग्जाम में इस तरह की बातें हो रही है, तो एक बार तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि सरकार हिल जाए और आगे से सरकार और आयोग सचेत हो जाए, कोई गलत करने से पहले हजार बार सोचे। छोटा छोटा आंदोलन हम लोग बहुत किए, आप लोग याद कीजिए ना, दरोगा बहाली 1717 दरोगा बहाली का पेपर लिख हुआ, उसमें भी बहुत लोग आंदोलन किए थे, 4-5 बार आंदोलन किए, लाठी चार्ज हुआ,
कारगिल चौक पे, उस समय तो हम लीड नहीं कर रहे थे, हम तो उस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें हम भी लाठी खाए थे, भीड़ का हिस्सा थे। क्या हुआ उस आंदोलन का? कुछ हुआ नहीं हुआ। 2446 दरोगा बहाली, उसमें भी पेपर लीक हुआ, हम ही ने कई बार आंदोलन किया, लीड किया, आंदोलन का नेतृत्व किया, क्या परिणाम आया उसका? कुछ नहीं आ पाया। ये अलग बात है कि उसके बाद 2213 में थोड़ा पहले से ज्यादा ठीक ठाक एग्जाम कंडक्ट हुआ, लेकिन फिर बीपीएससी का मुद्दा हुआ, परसेंटाइल वाला आया, देखिए उसमें भीड़ थी, भीड़ उमड़ गई परसेंटाइल वाले मुद्दे पे 31 अगस्त को, तो सरकार ने बात मान ली। फिर उसके बाद 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट के बाद देखिए स्टूडेंट्स का भीड़ नहीं आ रहा था, सरकार बात नहीं मानी। तो भीड़ जब रहेगा तभी सरकार बात मानेगी, इस बात को आप लोग समझिए, क्योंकि लोकतंत्र है, यहां वोट बैंक की राजनीति चलती है, तो अगर आप भीड़ दिखाइएगा तभी सरकार बात मानेगी। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि छात्रों को यूनाइट होना पड़ेगा और यूनाइट होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा। ऐसा सोचिएगा कि आज वो जा रहा है हम नहीं जाएंगे, हम कभी और चल जाएंगे, तब फिर नहीं होगा। तो आप लोग यूनाइट होइए, अगर इसके बाद भी अगर किन्हीं को लगता है कि आंदोलन आ गया करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए, हम मना भी नहीं कर रहे हैं किन्हीं को, हम किन्हीं को आंदोलन करने से मना भी नहीं कर रहे, लेकिन हम शामिल अभी नहीं हो पाएंगे। हम अपना इलाज कराने अभी दिल्ली निकल रहे हैं और इलाज करा के जैसे ही हम पटना पहुंचेंगे, बिहार पहुंचेंगे, उसके बाद आप जैसे कहिए हम आपके साथ खड़े हैं, हम हर जिला जाएंगे, हर ब्लॉक जाएंगे, छात्रों को यूनाइट करेंगे और फिर गांधी मैदान भरने का तैयारी कीजिए आप लोग। क्या गांधी मैदान नहीं भर सकते? अरे एक घंटा सिर्फ गांधी मैदान में खड़ा हो जाइएगा ना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ खड़ा हो जाइएगा, पूरा गांधी मैदान भर दीजिएगा तो सरकार हिल जाएगी, कोई सड़क पे मार्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 घंटा गांधी मैदान में आप खड़ा हो जाइए या बैठ जाइए गांधी मैदान में, देखिए सरकार हमारी सारी बातों को मान लेगी। तो ये चीज होंगे, उनसे हम लोग मांग करेंगे, पहले बीजेपी जदयू सरकार में थी तो उनसे हम लोग मांग कर रहे थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ तो आंदोलन किए। आज देखिए जदयू आरजेडी कांग्रेस सरकार में, तो अभी जब पेपर लीक हुआ तो अभी भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी कुछ होगा, चूंकि मुझे बहुत सारा देखिए मुझे इनपुट मिल चुका है बहुत जगह से, बहुत सीनियर अधिकारियों से जो अभी रिटायर्ड कर चुके हैं उनसे, जो अभी जॉब में है उनसे, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो वो लोग भी देख रहे हैं, तो हमें बहुत जगह से इनपुट मिल चुका है कि भाई छोटा मोटा आंदोलन करने से सरकार बात नहीं मानेगी आपकी, बड़ा आंदोलन कीजिएगा तभी सरकार मानेगी। और वैसे वैसे लोगों ने हमें बताया है जो कि विश्वसनीय है, सरकार के भरोसेमंद रहे हैं, सरकार के साथ रहे हैं, तो वैसे वैसे लोग सरकार के नीतीश कुमार जी के करीबी रहे हैं, वैसे वैसे अधिकारियों ने हमें बताया है। तो इस चीज को आप लोग समझिए कि छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होगा, बड़ा आंदोलन करे, एक बार करे, जोरदार करे, सरकार पे असर हो। और जितने लोग लाइव से जुड़े हैं उनको धन्यवाद, आप लोग शेयर भी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। तो मेरे नजर में मेरा जो बुद्धि विवेक काम कर रहा है उसके अनुसार छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस तरह बीपीएससी 67वीं में देखिए हम लोग 3-4 बार आंदोलन किए, सरकार बात नहीं मानी, इसमें भी वही होगा, एक बार फिर हम आंदोलन करें, फिर 6-7 हजार 8 हजार स्टूडेंट्स आएंगे, फिर लाठी मार के भगा दिया जाएगा, सरकार बात नहीं मानेगी। अगर 60-70 हजार से 1 लाख के बीच में अगर स्टूडेंट्स आ जाए, 1 लाख टारगेट रखिए, 1 लाख स्टूडेंट्स आ जाए, तो सरकार निश्चित रूप से मानेगी। तो हम तो यही कहेंगे, बाकी अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम तो किन्हीं को मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आंदोलन में नहीं मौजूद रहेंगे, शामिल नहीं हो पाएंगे, चूंकि हम दिल्ली निकल रहे हैं, इलाज कराना मेरा बहुत जरूरी है। तो आप लोग इस बात को समझिए, और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया था, तो हमारे पास जो भी पैसा आया वो आपका सुरक्षित है, वो हम अपने निजी हित के लिए कहीं भी खर्च नहीं करेंगे, जो भी पैसा है आपका सुरक्षित हमारे पास है, और आगे जो भी छात्र हित में कार्य होगा, आंदोलन होगा, उसमें उस पैसे को हम खर्च करेंगे। आपको जिनको भी अगर कोई हिसाब किताब हमसे लेना हो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने सहयोग किया है और ये आपका पैसा है, सार्वजनिक छात्रों का पैसा है, तो उसको हम अपने निजी हित के लिए कभी खर्च भी नहीं कर सकते, और आगे जो भी आंदोलन होगा, कुछ भी होगा छात्र हित में, उस पर उस पैसे को खर्च किया जाएगा, अभी हमारे पास है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी, हमें तो लगा सिर्फ बैनर पोस्टर लाउड स्पीकर और जो चोट लगा है स्टूडेंट्स को उनके इलाज के लिए बस आ जाए, पैसा हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इतना सहयोग कर दिया कि जितना जरूरत थी उससे 3 गुना ज्यादा पैसा आ गया। तो अब वापस किसको करें किसको ना करें ये भी एक समस्या है, तो इसलिए हम अपने पास ही सुरक्षित रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया है, क्योंकि आगे भी तो कोई ना कोई आंदोलन होते ही रहता है, तो उसमें खर्च किया जाएगा,
और छात्र हित में जो भी कार्य होगा उसी पे खर्च किया जाएगा। तो आप लोग भी सोचिए क्या करना चाहिए। मुझे जो लगा मैंने कह दिया कि छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई फायदा, बहुत सारे लोग हमें फोन करके भी बोल रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि छोटा छोटा आंदोलन करते हैं हम लोग पिटा जाते हैं, सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करें। तो बात भी सही है, जब तक बड़ा आंदोलन नहीं होगा सरकार बात नहीं मानेगी। आप देखिए ना, शिक्षक अभ्यर्थियों को डाकमंगला चौराहे पे कैसे पीटा गया, हम ही लोग को कैसे पीटा गया डाकमंगला चौराहे पे, पीटा गया ना, बुरी तरह पीटा गया। फिर आंदोलन करेंगे कम भी रहेगा, फिर वैसे ही किया जाएगा। अब ऋषभ राज कर रहे हैं 1 लाख कैसे आएगा ये तो बताइए, 1 लाख आएगा? स्टूडेंट्स आ सकता, क्यों नहीं आ सकता है? हम हर जिला जाएंगे, हर जिला में जाकर टीम बनाएंगे, हर जिला में कम से कम 100 लोग को तैयार करेंगे जो कि एकदम निडरता के साथ, ईमानदारी के साथ हमारी तरह लड़े। हर जिला में 100 दिलीप कुमार चाहिए मुझे, हर जिला से 100 दिलीप कुमार, और वो 100-100 लोग जो होंगे वो फिर अपने से 100-100 लोग को जोड़ेंगे, और इस तरह हम लाखों स्टूडेंट्स को इकट्ठा पटना में कर सकते हैं। बस अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी सबको, हर किसी को ये सोचना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है, हर किसी को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो हर जिला से हम 100-100 लोग ऐसे लोगों को तैयार करेंगे, पहले 100 लोग को तैयार करेंगे जो निडरता के साथ ईमानदारी के साथ संघर्ष करें, और फिर वो 100 लोग अपने से 100-100 लोग को तैयार करेंगे, और इस तरह तो हमारे 7 लाखों स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, क्योंकि जान सभी रहे हैं, हर जिले में स्टूडेंट्स जान रहे हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, एक मंच पे लाना है, एक जगह लाना है। तो आप लोग बस यही करना पड़ेगा, आप लोग भी सोचिए क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे जो समझ में आया, बड़े बड़े अधिकारियों ने भी मुझे बताया, जो ईमानदार हैं, बेईमान अधिकारी से तो हम बात भी नहीं करेंगे, जो ईमानदार हैं उन लोगों ने भी मुझे यही बताया कि छोटा छोटा आंदोलन करने से सरकार बात नहीं मानेगी, जो बड़ा आंदोलन कीजिए तब ये सरकार मानेगी। और हमें भी यही लगता है, हमने भी पहले भी कहा कि भाई कम भीड़ में आने से कोई फायदा ना। आप देखिए ना, 11 फरवरी 2020 को भी आंदोलन किए थे, उस दिन हमें ही अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, क्या होगा? मान लीजिए अभी फिर हम आंदोलन करते क्या होगा? या तो हमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा 15 दिन 1 महीना के लिए, आंदोलन वैसे ही खत्म हो जाएगा, या फिर लाठी चार्ज करके मार के भगा दिया जाएगा, फिर भी आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक मजबूत और निर्णायक लड़ाई लड़नी है। दिलीप कुमार कभी भी पीछे नहीं हट रहा है, न ही किसी से डर रहा है, न ही किसी के सामने झुक रहा है, न ही बिक रहा है, न कभी बिकेंगे हम। अगर हमें बिकना होता तो हम बिक गए रहते, अपना सब कुछ त्याग करके इस तरह से इस ठंड में, कभी धूप में, कभी बरसात में नहीं लड़ते। तो इसलिए एक राज्यव्यापी आंदोलन अब चाहिए। आप बताइए, 4 जनवरी को आंदोलन करना था, हमने कहा था कि जो लोग पटना नहीं आ पाएंगे वो अपने अपने जिला में जाकर डीएम ऑफिस में जाकर आधा घंटा 1 घंटा धरना दीजिए और ज्ञापन सौंपे। कितने लोग गए डीएम ऑफिस अपने अपने जिला में? कहीं से कोई खबर नहीं आई कि कहीं डीएम ऑफिस में गए होंगे छात्र, नहीं गए, तो कैसे होगा इस तरह से? तो अब एक राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी हमें करनी होगी। हम हर जिला आएंगे, हम पिछले साल भी 3 जिला गए, नालंदा, नवादा, गया, लेकिन उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं था, हम नहीं जा पाए, हमें सहयोग भी कहीं से नहीं मिला, आर्थिक सहयोग, हम नहीं जा पाए। लेकिन इस बार फिर हम शुरुआत करेंगे, जैसे ही हम इलाज करा के लौटते हम शुरुआत करेंगे, हर जिला जाएंगे, स्टूडेंट्स को यूनाइट करेंगे। 38 जिला से क्या 1-1 हजार स्टूडेंट हर जिला से नहीं आ सकते? हर जिला से 1-1 हजार स्टूडेंट्स, 500-500 स्टूडेंट्स नहीं आ सकते क्या? आराम से आ सकते, 1 हजार एक जिला से आने में क्या दिक्कत है भाई, एकदम आएंगे, बस उनको एक मंच पे लाना है, यूनाइट करना है, और राज्यव्यापी आंदोलन होगा कि एक बार पटना से बिगुल फूका जाए और बिहार के हर जिला में सड़क पे उतर जाए छात्र, जगह तय रहेगा कि किस जिला में कहां उतरना है। अभी क्या होता है, हमें भी नहीं पता है कि किस जिला में धरना का कौन सा जगह है, तो हम कैसे बता पाएंगे? हमें भी नहीं पता है हर जिला के बारे में, तो हम कैसे बता? तो इसके लिए हमें हर जिला पहले जाना पड़ेगा। मान लीजिए दरभंगा में है तो दरभंगा में किस जगह पे आना है छात्रों को, मधुबनी में किस जगह पे आना है, सहरसा में किस जगह पे आना है, सासाराम में किस जगह पे आना है। तो हर जिला हम पहले चले जाएंगे, इसके लिए तो जरूरी है ना कि पहले हर जिला हम चले जाएं, छात्रों को यूनाइट करें, और हमें पता हो कि किस जिला में कहां पे धरना देने के लिए जगह है, कौन से जगह सुटेबल है, अच्छा है। तो एक बार अनाउंसमेंट होगा और हर जिले में वहां पहुंच जाएंगे छात्र अपने अपने जिला में, और फिर देखिए सरकार कैसे नहीं बात मानती है।
हम लंबी लड़ाई और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बड़ी लड़ाई और लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं सरकार से, भर्ती आयोग से, कोई भी हो सरकार में। हम छात्र हित के लिए पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। बस आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मैं इलाज कराकर ठीक होकर पूरी तरह स्वस्थ होकर पटना आ जाऊं, बिहार आ जाऊं और फिर से आप लोगों के लिए लड़ पाऊं। यही बस आप लोग दुआ कीजिए। मैं ज़्यादा अभी फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाता हूँ, फ़ोन रिसीव करना मना है। ज़्यादा बोलने पे थोड़ा चक्कर टाइप का आने लगता है, बहुत कमजोरी है, इस वजह से आप लोग इस बात को समझिए। और इसलिए मैं ज़्यादा फेसबुक पे देखिएगा अभी पोस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही वीडियो वगैरह बना पा रहा हूँ, क्योंकि जो ज़रूरत हो उतना ही हम बोलते हैं, बिना मतलब का हम क्या बोलते रहें। आज भी हम लाइव आए हैं तो इसलिए कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चुप काहे हो गए, चुप काहे हो गए, छोड़ के भाग गए, इसलिए हमें आना पड़ा लाइव, नहीं तो हम अभी भी लाइव नहीं आते, क्योंकि हमें एकदम रेस्ट में रहना है, अभी रेस्ट में। तो आप लोग एक बड़े और राज्यव्यापी आंदोलन के लिए आप लोग तैयार होइए और खुद से अंतरात्मा से पूछिए, हमें हर जिला से 100 दिलीप कुमार चाहिए। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने अपने जिला से दिलीप कुमार बनना चाहते हैं। दिलीप कुमार का मतलब ईमानदारी से आपको लड़ना होगा, निडरता के साथ लड़ना होगा, बेईमानी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बहुत लोग आंदोलन में जुड़ते गए, हम 2019 से आंदोलन कर रहे हैं ना, हर आंदोलन में कुछ नए चेहरे आते गए जो कह रहे थे कि हम आपके साथ एकदम हमेशा रहेंगे साथ में, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उनकी मानसिकता गलत है। वो बस आते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए और जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाए, या फिर पैसा का कहीं से जाके मेरे नाम पे पैसा वसूल ले, बेईमानी करे, तो ऐसे लोगों को हम साइड कर देते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है तो हम साइड कर देते हैं, अकेला ही सही है, अकेला रहेंगे लेकिन बेईमान लोगों को हम नहीं रख सकते हैं साथ। इसीलिए हमें चाहिए ईमानदार निडर लोग जो बिहार के हित में सोच रहे हो, वैसे लोग हर जिला से 100-100 लोग चाहिए। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि अपने अपने जिला से वो कौन कौन लोग आप लोग हैं जो दिलीप कुमार की तरह लड़ने के लिए अपने अपने जिला में तैयार हैं। और जो लोग भी इस तरह से तैयार होइएगा, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, फोन कर लीजिएगा, ज्यादा फोन मत कीजिएगा, एक बार फोन कीजिएगा, अगर हम नहीं रिसीव करें तो हमें छोड़ दीजिएगा, हम जब भी फ्री रहेंगे हम खुद कॉल कर लेंगे, एक बार से ज्यादा आप कॉल मत कीजिएगा। सिर्फ वही लोग कॉल कीजिएगा जो ईमानदारी से अपने अपने जिला में नेतृत्व करना चाहते हैं, छात्र हित के लिए आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते हैं ईमानदारी से, बेईमानी जरा सा भी नहीं चाहिए, और निडरता के साथ और निस्वार्थ भाव से। ऐसा भी नहीं कि आपका कोई स्वार्थ उसके पीछे छुपा हुआ हो, वैसा निस्वार्थ भाव से छात्र हित में आंदोलन का नेतृत्व अपने अपने जिला से जो लोग भी करना चाहते हैं, वैसे लोग हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और फोन कीजिएगा, तो सिर्फ एक बार फोन कीजिएगा, हम रिसीव करें तो भी, ना करें तो छोड़ दीजिएगा, हम खुद आपको कॉल बैक कर लेंगे, क्योंकि हमें फोन रिसीव करना भी अभी मना है। तो कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई, भले 2 दिन समय लगे, 3 दिन लगे, हम रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत मैसेज आता है तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम रिप्लाई करेंगे। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, जिला का नाम लिख के भेज दीजिएगा, मोबाइल नंबर बता देते हैं 7282005656, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना नाम जिला का नाम लिख के भेज दीजिएगा, हम सेव कर लेंगे। और जैसे ही हम इलाज करा के लौटेंगे, स्वस्थ होकर लौटेंगे, हम आपके जिला में जाकर आपसे मिलेंगे और टीम बनाएंगे हर एक जिला का। और अभी भी जो लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम किन्हीं को मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपके आंदोलन में कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता ना आए, किसी भी तरह से राजनीतिकरण ना हो और हिंसा ना हो, ये सब ख्याल रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बस अंत में यही कहेंगे कि आप लोग दुआ कीजिए कि हम जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बिहार फिर से आ सके और अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष हम चला रहे हैं पिछले 5 साल से, उसको आगे बढ़ा सके। बस आप लोग दुआ कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम जल्द से जल्द अपनी बीमारी का इलाज कराकर स्वस्थ होकर बिहार आ सके। और आप लोग यूनाइट होइए, और जो लोग भी इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, अपने अपने जिला से नेतृत्व करना चाहते हैं, वैसे लोग हमें व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।